हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो रीडिंग 999। फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आपके लिए जनरल रीडिंग है, तो जितना मैच हो उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो डिवाइंस यूनिवर्स से प्रे करते हैं, एंजल्स एनर्जी चेक करते हैं हम, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, आपके लिए क्या सीक्रेट्स हैं उनके दिल में, उनके मन में। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स एंजल्स, ओ ओ, एट ऑफ कप, एट ऑफ कप्स, वॉक अवे हो गए थे या आपसे, एम्परर आया है, चुप्पी की एनर्जी, साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले। डिवाइन क्वीन ऑफ वॉन्स, यस, डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में उनके लिए क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन एनर्जी। ओ हैंग्ड मैन, सेक्रीफाइस की एनर्जी आई है। ओ बहुत सारे कार्ड आई थी, सारे कार्ड नहीं लूंगी मैं। व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए। सोलमेट कनेक्शन, सिक्स ऑफ कप्स, वेरी नाइस एनर्जी। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ओ सिक्स ऑफ कप्स के बाजू में सिक्स ऑफ वैंड्स, मैरिज की एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन और उसके बाजू में मैरिज की एनर्जी आई। तो ये चाहते हैं पैशनेट एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। अरे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, हस्बैंड वाइफ, देखो क्वीन और किंग, वॉन्ड्स वॉन्ड्स, वाव, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है फ्रेंड्स। कार्ड्स अच्छी तरह से अरेंज कर दिए ताकि आपको दिखे अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कार्ड अच्छी तरह से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ना साइनर एलिमेंट देख लेते हैं हम। तो आज तो मेजर अर्काना का एम्परर आया है, एरीज की एनर्जी आई, द हैंग्ड मैन यानी पाइसिस की एनर्जी आई, पाइसिस मीन राशि, एम्परर मेष राशि, ठीक है। और उसके अलावा कप्स है, वाटर शाइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, वॉन्ड्स है फायर साइन, एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, एयर साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, ये तीन फायर साइन के कारण पेंटिकल्स भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि। तो सारे के सारे साइनर एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन साइनर एलिमेंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। जो कार्ड्स निकल के आई है उसमें से जो स्टोरी या सिचुएशन अगर जो निकलती है, जो वो अगर आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो ये रीडिंग आपकी, ठीक है। हमारा काम जोड़ियक साइन बताना होता है तो हम बता देते, एक्सप्लेन कर देते, ठीक है। प्रोमिनेंट ये है हैंग्रीमैन पाइसिस और एम्परर एरिस, एरिस की मेष राशि। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हैंग्ड मैन ही कहूंगी और ईट ऑफ कप्स की एनर्जी एक्सप्लेन करूंगी।
सबसे पहले तो ये इंसान ना आपसे वॉक अवे हो गए थे। देखिए एक इंसान है, ये कप्स है, कप्स क्या होता है, लव, और एक ऑप्शन का भी कार्ड होता है। देखो ये इंसान कैसे चला जा रहा है, दूर जा रहा है, कप्स के बाजू में नहीं आ रहा, दूर जा रहा है। एट ऑफ कप्स क्या होता है, ये वॉक अवे करने की एनर्जी होती है, ये लीव करने की एनर्जी होती है, छोड़ देने की, रिलेशनशिप को कॉल ऑफ करने की एनर्जी होती है, ये रिलेशनशिप से दूर जाने की एनर्जी होती है। ये एट ऑफ कप्स एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है, ये इस कार्ड की एनर्जी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दे डोंट लव यू, ओके, लेकिन बट दे नीड टू। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्स का प्लान होता है दो इंसान को अलग करने का, कि ताकि जब जुदाई होती है तो सेपरेशन में शायद उनको रियलाइजेशन होता है इंसान को कि नहीं यार ये तो मेरा ही इंसान था, मेरा ही सच्चा पर्सन था, ठीक है। तो ये वॉक अवे हो गए थे, तो आपकी अपने से जिनके भी पार्टनर वॉक अवे हो गए थे ना, आपको छोड़ के चले गए थे ना, तो पहला ही कार्ड यही एनर्जी आई है, एट ऑफ कप्स यानी वॉक अवे करने की एनर्जी आई है। अब यहाँ पे क्या आया, हैंगडमैन। तो मैं हैंगडमैन क्लैरिफाई करती हूँ पाइसिस की एनर्जी। हैंगमैन क्या है, देखिए एक इंसान है जिसे ना उल्टा लटका दिया है। देखिए पैरों में भी रस्सी बंधी हुई है, हाथ है ना, दोनों हाथ भी पीछे बंधे हुए, उल्टा लटका हुआ इंसान है। अब आप ही सोचिए कि कोई इंसान की हालत कैसी होगी जब उसे उल्टा लटका दिया जाए, जब उसके हाथ भी बांध दिए जाए। देखो ये क्या दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है, ये सेक्रीफाइस को दिखाता है, ये मर्जी से नहीं बल्कि ब्रेकअप करवाया गया है, ठीक है, ये मर्जी से ब्रेकअप नहीं हुआ, ब्रेकअप करवाया गया है, ठीक है। उल्टा लटका दिया है मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन होती है। अगर किसी इंसान को ऐसा लटका दिया, लटका देगी तो क्या वो इंसान अपने आप को कैसे छुड़ा पाएगा। हो सकता है कि ये इंसान पहले कोई फैमिली प्रेशर था उनकी लाइफ में, या कोई और भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि ये कार्ड ना सेक्रीफाइस को दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वॉक अवे हो गए तो इस इंसान ने आपको उल्टा लटका दिया, मीन्स आपकी हालत ऐसे जैसे लटकी हुई इंसान जैसी आपकी हालत कर दी होगी इस इंसान ने आपकी। लेकिन फिर भी है ना ये कार्ड बहुत अच्छी एनर्जी वाला भी होता है, क्योंकि है ना इस पर्सन में होप तो है, या शायद आप में भी होप है या उनमें भी होप है। क्यों पता है, ये देखिए इंसान के पीछे क्या है, सन है। तो सन क्या होता है, सन एक एनर्जी होती है। देखो सन, सन क्या, सन सन मीन्स खुशियां, एनर्जी, अंधकार को दूर करने वाला सन होता है, खुशियां देने वाला सन होता है। सन हम में से एक पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। देखिए आप हर एक कार्ड होते हैं, हर एक कार्ड के अपना एक इल्यूस्ट्रेशन होता है, अपना एक ग्राफिक होता है, लेकिन आप उसमें डीपली देखोगे ना तो उसका मीनिंग आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। देखो सन है यानी कि अभी भी होप बाकी है, ठीक है। तो पहली एनर्जी क्लियर हो गई, पहला ही कार्ड आया है वॉक अवे करने का, यानी कि आपके पर्सन पार्टनर या जिनके भी लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे वॉक अवे हो गए थे। और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया, मीन्स अगर ब्रेकअप हुआ था तो ब्रेकअप हुआ नहीं था, ब्रेकअप करवाया गया था मजबूरी या सेक्रीफाइसेस के लिए, जो भी कुछ रीजन हो, मजबूरी जो भी हो, ये फैमिली प्रेशर हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई भी मजबूरी हो सकती है। लेकिन एक हैंगडमैन की पोजीशन है, यानी कि वो खुद हैंगडमैन की एनर्जी में थे और उन्होंने आपको भी हैंगडमैन की एनर्जी में डाल दिया, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी हमने क्लैरिफाई कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एम्परर आया है, तो एम्परर कैसे इंसान होते हैं पता है, ये एक्चुअली फादरहुड फिगर भी होती है, यानी कि हो सकता है कि उनके पिता की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है, या अगर वो उनकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एक चालाक इंसान भी होते हैं, थोड़े शाही मिजाज के भी होते हैं। देखिए एम्परर एक इंसान है, देखो कैसे कैसे बैठा है, राजा, एम्परर यानी कि राजा, राजाशाही होता है, ऐसे मिजाज वाला होता है, जो एक ना रिजर्व्ड एनर्जी दिखाता है, हार्ड टू एक्सप्रेस। ये इंसान ना एक ऐसे इंसान है जो अपनी फीलिंग को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले, लेस टॉकेटिव भी होते हैं। लेस टॉकेटिव मीन्स कम बातें करने वाले, थोड़े घमंडी भी हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले पोजिशन में भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड आए हैं तो मैं
मैं हर एक कार्ड की एनर्जी एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक आते हैं इंसान के, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो इंसान के कैसे होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा। तो ये थोड़े साइलेंट ट्रीटमेंट वाले भी हो सकते हैं, थोड़े घमंडी भी हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले पोजीशन में भी हो सकते हैं, जैसे सिचुएशन का चार्ज लेने वाले, रूल्स रेगुलेशन में मानने वाले। मैरिड पर्सन को भी दिखाता है ज्यादातर एम्परर। तो आप में से अगर किसी का पार्टनर मैरिड हो दूसरे के साथ, तो ये भी एनर्जी शायद मैच हो सकती है। मैं सिर्फ एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ, देखा। और ये कैसे इंसान होते हैं पता है, इग्नोर करने के एनर्जी वाले, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा फसाड होता है उनका, उनका ऐसा सीनारियो क्रिएट करते हैं कभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से भले पड़ता हो लेकिन बाहर से एकदम कठोर टाइप के होते हैं ये एम्परर। थोड़े चालाक भी होते, घमंडी भी होते। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं। अब यहाँ पे आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा आपकी एनर्जी होती है, ये एंटायर रीडिंग में रूल कर रहा है। ये कार्ड पहले भी हमारी रीडिंग में आ चुका है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है, ये आपकी एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्या, एक खूबसूरत एनर्जी। आपके पर्सन ना आपको इस रूप में देखते हैं, जैसे लविंग, केयरिंग, समझदार, एक सच्चे पर्सन, एक काइंड पर्सन जो दूसरों को लव देते हैं, सपोर्ट देते हैं। आप में ना बहुत ग्रेटिट्यूड है, जो भी परिस्थितियां है आपके लाइफ में, अच्छी हो या बुरी, जो भी परिस्थिति, तो आप हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं। एक लग्जरी की भी एनर्जी होती है, सक्सेस की भी एनर्जी होती है। हो सकता है आपके पर्सन आपको सक्सेसफुल एनर्जी में देखते हो, और ये सिंगल होने की भी एनर्जी होती है कि मीन्स आप मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अभी सिंगल भी हो, क्योंकि एक सिंगल होने की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने ना आप अपने आप में एक बेस्ट वर्जन में अकम्प्लिश्ड पर्सन हो, बहुत अच्छी एनर्जी में। मैंने रीडिंग क्या थी कि आपके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। अभी यहाँ पे ना सिक्स ऑफ कप्स आए हैं। तो सिक्स ऑफ कप्स क्या, एक सोलमेट कनेक्शन होता है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। हो सकता है कि आप लोग में से कई लोग सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एक रोमांस को दिखाता है, लव को दिखाता है। एक ये इंसान ना जो भी आपके साथ मेमोरी थी ना, उसके रिप्ले कर रहे हैं, बार बार उस मेमोरी को रिप्ले, यानी कि अगेन एंड अगेन वो बात मन में सोचते ही रहते हैं। एक फ्रेंडशिप की भी एनर्जी होती है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड भी रहे हो। एक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को भी दिखाता है, जरूरी नहीं, हो सकता है कि आप में से कई लोग बहुत पुराने भी दोस्त हो सकते हैं। एक इनोसेंस एनर्जी होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी कभी कभार दिखाती है। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी होती है, अगर आपके पार्टनर दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है, सिक्स ऑफ कप्स यानी सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। देखिए सिक्स ऑफ कप्स के बाजू में क्या आया है, सिक्स ऑफ वैंड्स आए हैं। अब सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स भी आया है। देन यानी क्या, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स मीन्स हस्बैंड वाइफ, क्वीन एंड किंग, वैंड्स एंड वैंड्स, और यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स आया। तो सिक्स ऑफ वैंड्स ऑब्वियसली मैरिज की भी एनर्जी होती है, सिक्स ऑफ वैंड्स। वैसे ये भी लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है, अगर आप एक सिटी में ना रहते हो, अलग सिटी में या अलग स्टेट में, या हो सकता है अलग कंट्री में हो, अगर थोड़े आपसे दूर रहते, तो वो ना ट्रैवलिंग करने करके भी आने की एनर्जी होती है, सिक्स ऑफ वैंड्स। ये ना मैरिज की एनर्जी होती है, मैरिज विथ फैमिली कंसेंट, यस, फैमिली राजी हो जाए, उस फैमिली राजी हो ऐसी वाली मैरिज। ऐसा नहीं कि चलो मैरिज कर लिए, फैमिली भले राजी ना हो ना या ना हो, ऐसे नहीं, विथ फैमिली कंसेंट। एक ह्यूज एक्शन की एनर्जी होती है, हाँ पेशेंस की एनर्जी होती है, इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। ये लॉन्ग मैंने अभी कहा ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखा, देखिए एक इंसान है घोड़े पे कैसा चला आ रहा हो, जैसे बारात लेके आ रहा हो वैसे। सिक्स ऑफ वॉन्ट्स हमेशा एक मैरिज की एनर्जी होती है, ओके। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ट्स और किंग ऑफ वॉन्ट्स तो आ ही गया है, मैंने कहा ना हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी होती है। अभी आप है ना किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आए, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्या होता है, ये भी एक एक्शन की ही एनर्जी होती है। देखो एक इंसान कैसे घोड़े पे दौड़ा चला आ रहा है, बहुत अच्छे एक्शन की एनर्जी होती है, पैशनेट पर्सन को दिखाता है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी।
ये ना फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह आ रहा है। देखिए ये भी ट्रैवलिंग की एनर्जी होती है। एक उतावले पर्सन को दिखाते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, स्पीड विद विक्ट्री को दिखाता है। ये एक्शन की एनर्जी है, मोमेंट की एनर्जी है। ये इंसान ना शायद रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहते हैं। देखो ये तीनों कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस की है। ये सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ हैंड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत आया है, शायद सिटी अलग हो, स्टेट अलग हो, कंट्री अलग हो, ठीक है। तो ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन, दो दो एक्शन के कार्ड आए हैं यहाँ पे। ये आपकी एनर्जी है, बट एंटायर रीडिंग में रूल कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपकी एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कई लोग हस्बैंड वाइफ भी हो, आप अपने वाइफ के लिए दिख रहे हो या हस्बैंड के लिए दिख रहे हो, ठीक है। और ये मैरिज की एनर्जी, सिक्स ऑफ एट ऑफ कप्स, वॉक अवे करने की, वॉक अवे होने की एनर्जी आई है। एम्परर, एक चुप्पी वाली एनर्जी, जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, तो हैंगमैन यानी सेक्रीफाइसेस की एनर्जी आई है, ठीक है। तो अगर वॉक अवे हो गए थे तो उसमें भी कोई रीजन था, ठीक है, ऐसे ही वॉक अवे नहीं हुए थे। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है फ्रेंड्स। देखिए जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, जितना मैच हो उतना ही लीजिए, ज्यादा जबरदस्ती लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर रीडिंग मैच नहीं होती तो ठीक है, आप अगली नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।